गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन स्पेशल। आज मैं आप लोगों को आम का अचार बनाना बताऊंगी। आम को अच्छे से कट करना होता है, तो मैंने मार्केट से कट करवा लिया है। तो मार्केट से जो कट किए हुए आम हैं, धुले थे नहीं, तो उस वजह से अब मुझे उनको अच्छे से धुल करके धूप में सुखाना होगा। मैंने मार्केट से ही कट करवाया, तो इस वजह से इसमें देखिए ये सब भी हैं। ये देखिए इसमें ये सब इसमें से निकाल देना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका अचार काफ़ी लंबे समय तक टिका रहे, तो ये सारी चीज़ें निकाल देना है। और सड़ा कटा हुआ आम है, उस आम को बिल्कुल हटा देना है। और अगर मेरे में कोई टुकड़ा बड़ा होगा तो मैं उसको भी छोटा कर दूँगी। तो इसमें से जो भी ये लेयर है, इसको भी हटा देना है आपको। ये देखिए ये वाली लेयर बिल्कुल हटा देना है। अगर आम में इस तरह का कुछ भी आपको दे, इसको आप रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये आपके आम के अचार को ख़राब कर सकता है और टेस्टलेस भी बना सकता है। ये भी आप रिमूव कर देंगे। इस तरह के आमों का आपको अचार बिल्कुल नहीं बनाना है। ये आपके आम के अचार को टेस्टलेस बना सकता है और ख़राब भी कर सकता है। ये देखिए इसको अच्छे से धुल करके एक घंटे तक इसको धूप दिखाएंगे, ताकि इसमें कोई भी नमी ना रहे। लगभग 1.5 से 2 घंटे मैंने आम को सुखा लिया है। हम नमक मिक्स करेंगे। लगभग आधी कटोरी इसमें नमक ऐड करना है। एक चम्मच हल्दी ऐड करना है। तो अब इनको मिक्स कर लेते हैं। कपड़े से बांध करके 2 दिन के लिए रख देंगे नॉर्मल जगह पे। और इसको सुबह शाम 2 टाइम इसको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। तो गाइस, कुछ इस तरह का अचार बन गया है 2 दिन में। और अब मैं इसका देखिए इसमें कितना सारा पानी है, तो इसमें पानी इसको निकाल देंगे। देखिए आप, ये देखिए पानी दिख रहा होगा आपका, तो ये सारा पानी निकाल देंगे। पहले पुराने ज़माने में लोग इस पानी को नहीं निकालते थे, इस वजह से क्योंकि वो मटकी के बर्तन में अचार बनाते थे। तो मटकी वो मिट्टी की बनी होती थी, तो ये सारा पानी वो सोख लेता था। अचार हमेशा बचा रहता था, क्योंकि जो भी नमी होती थी वो मटकी सोख लेती थी। तो गाइस, अब मैं इसमें का सारा पानी इस बर्तन में निकाल देती हूँ। मैंने नीचे एक बर्तन भी लगा दिया है, ताकि गंदगी ना फैलने पाए। तो गाइस, अगर आप कोई भी अचार बना रहे हो, तो उसको ज़रूर धूप दिखाओ, क्योंकि धूप दिखाने के लिए अगर आपकी अचार में ज़रा सा भी फंगस लग रहा हो या लगने वाला हो, तो वो जो कमियां रह गई हैं वो दूर हो जाती हैं। वो धूप में आपको इस साइड में इसका फेस जो है ऊपर की ओर रखेंगे, ऐसे रखेंगे ताकि जो सारी नमी है इसकी चली जाए। तो मैंने आम को 1 से 1.5 घंटे धूप दिखा दिया है, और अब हम चलते हैं मसाले की तैयारी करने। तो देखिए मसाले में कुछ इस तरह से है। तो आपको इसमें जनरली जो भी मसाला यूज करना है वो कुटा हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मसाला मैंने लिया है। जो जो मसाले जैसे इसमें खड़े हैं, जैसे कि खड़ी धनिया है, तो इसको हम अच्छे से सेक करके फिर इसको हल्का दरदरा पीस लेंगे। धनिया 2 चम्मच, काली सरसों 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, हींग लिया है 2 चुटकी, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च जो ऑयल में डालेंगे। ये भी ऑयल में डालना है, गरम ऑयल जब करेंगे तो ये भी मैं गरम ऑयल में डालूंगी और ये भी गरम ऑयल में डालूंगी। ये कश्मीरी लाल मिर्च लगभग 2 चम्मच, और सौंफ आधी कटोरी, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच से भी कम अजवाइन, आधी कटोरी पीली राई दाल, 1 चम्मच पीली राई, और 1 चम्मच है कुटा हुआ लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। 1 चम्मच काला नमक, और 1 ही चम्मच मैंने लिया है इसमें नमक। धनिया इसको सेंकना है, और राई, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, मेथी, पीली सरसों, इतनी चीज़ें अच्छे से सेक करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। और सारी चीज़ें देखिए हमारे पास पिसी हुई ही हैं, तो इन सब चीज़ों को ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 2 टेबल स्पून कलौंजी ले रहे हैं। तो जिस मसाले को सबसे ज़्यादा देर तक भूनना है उसको सबसे पहले डालेंगे, जैसे कि धनिया इसको पहले डाल देते हैं, इसको पहले हल्का सेक लेते हैं, जीरा डाल देते हैं, फिर इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसको सेकना है, केवल इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। आप चाहें तो इसको धूप में भी दिखा सकते हो 1-2 घंटे के लिए।
मेथी दाना ऐड करेंगे। अब इसमें सौंफ ऐड कर दे रहा, काली सरसों ऐड, पीली सरसों ऐड कर रहा। बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ये मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो अब गैस को बंद कर देते हैं। तो अब जो मसाले सिक गए हैं उनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसी गर्म कढ़ाई में ही थोड़ा सा हम पीली राई दाल और अजवाइन ये भी सेक लेते हैं, और कलौंजी ये भी सेक लेते हैं। ये भी हल्के से सिक गए हैं, तो मसाले लगभग ठंडे हो गए हैं। अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं, ज़रा ज़रा ग्राइंड कर लेते हैं, बहुत फाइन इसको ग्राइंड नहीं करना है। तो गाइस ये देखिए, जो कलौंजी और पीली राई दाल थी उसी में इस मसाले को मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ऑयल गर्म कर लेते हैं, तो लगभग एक कटोरी ऑयल हम गर्म कर रहे हैं। ऑयल को इतना गर्म करना है ऑयल का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो गाइस अब आप देख सकते हैं इसमें पानी नहीं है, तो अब इसमें जो मसाला हम ग्राइंड करके लेकर गए हैं उसको इसमें मिक्स कर, जितने अच्छे से इसमें मसाला मिक्स होगा उतना ही अच्छा आपका अचार बनेगा। तो इसको मैं मसाला लगा करके इसमें हल्का सा ऑयल डाल करके इसको मैं एक दिन के लिए छोड़ दूँगी, फिर बाद में मैं इसको बर्नी में रखूँगी। तो अभी आज सिर्फ मसाला लगा रहे हैं। अब इसमें लाल मिर्च जो कुटी हुई थी उसको ऐड कर देते हैं, काला नमक ऐड कर देते हैं, नमक ऐड कर देते हैं क्योंकि नमक मैं हम लोगों ने पहले ही ऐड कर चुका है, तो इसमें ज़्यादा नमक नहीं ऐड कर रहा है। तो अब इसी ऑयल में मैं जो हींग थी वो ऐड कर दे रही हूँ, ताकि इसका जो हींग का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ ताकि देखने में कलर बहुत अच्छा है अचार का। गाइस आप देख सकते हैं कि ऑयल का कलर कितना अच्छा है और हींग का जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया है। अब इसमें ये जो मसाला है वो 2 चम्मच ऐड कर दे रहा हूँ। अब इस ऑयल को अचार में मिक्स कर रहा हूँ। बहुत ही गरम गरम ऑयल नहीं ऐड करना है, जब ये ठंडा हो जाए तभी आपको ऐड करना है। तो इसमें जितना भी मसाला है सारा मसाला ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास मसाला आपको लग रहा है ज़्यादा हो गया है तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, दूसरे अचार में भी सेम मसाला यही लगता है। तो गाइस इसमें मैंने पूरा ऑयल मिक्स कर दिया है, जो लगभग मैंने एक कटोरी गर्म किया था वो सारा ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो गाइस अब इसको मैं उसी कपड़े से ढक दे रही हूँ जिससे मैंने कल ढका था, तो उसी कपड़े से ढक के मैं इसको अभी 24 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, और कल मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप दिखाऊंगी। मैं सारा जो मसाला है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, इसको एब्जॉर्ब होने के लिए 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि सारा मसाला बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो गाइस लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, सारा मसाला अच्छे से अचार में मिक्स हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हम इसको बर्नी में रखेंगे, लेकिन बर्नी में रखने से पहले हमने 2 कटोरी ऑयल गरम किया है और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना है और थोड़ी सी हींग ऐड करना है। ये लगभग 1 लहसुन है, तो इसको मैंने छील कर 5 से 10 मिनट के लिए धूप में रख दिया था, उसके बाकी के नीचे 10 मिनट तक इसको सुखा लिया है। हम लोगों को पूरी सावधानी पूर्वक अचार बनाना होता है, ज़रा सी भी किसी में नमी नहीं रहने दें, चाहे वो मसाला हो आम हो। कूट लेती हूँ ताकि ये हर जगह मिक्स हो जाए और इसका जो फ्लेवर है वो पूरे अचार में पहुंच जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी पूरे अचार में पहुंच जाए। तो गाइस हमने इसको लहसुन को ऐड कर लिया, अभी इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। आप जो बर्नी लेकर के आए, बर्नी हो आपकी, वो अच्छे से आपको वॉश करना है गर्म पानी में, और उसके बाद इसको धूप में अच्छे से सुखा लेना है ताकि इसमें जरा सी भी नमी ना रहे और किसी भी तरह के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहें जो आपके अचार को ख़राब कर सके। तो इसी वजह से इसको काफ़ी अच्छे से धूप में सुखा लेना होता है। तो गाइस ये देखिए मैंने लगभग 2 कटोरी ऑयल फिर से गर्म कर लिया और इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है और 2 पिंच हींग ऐड किया है। तो अब इस ऑयल को बर्नी में पहले डाल देंगे,
इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल ऐड करने के बाद अब अचार ऐड करेंगे इसमें, फिर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर कैरी ऐड करेंगे, फिर ऑयल ऐड कर देंगे इसमें। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अचार बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसमें जो भी ऑयल है बचा है वो पूरा का पूरा इसमें ऐड कर देंगे। इसमें कोई भी मैंने फिटकरी या फिर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं ऐड किया है जिसकी वजह से ये काफ़ी दिन तक ख़राब ना हो। वो इस वजह से क्योंकि वो सारे केमिकल्स आपके पेट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, इस वजह से मैंने कोई भी केमिकल नहीं यूज किया। बिना केमिकल के भी आप अपने अचार को सही रख सकते हो। जब अगर बरसात का टाइम हो, बारिश हो जाए, धूप ना निकले, तो ही आप उसमें कोई केमिकल मिक्स करें, वरना अगर धूप आपके घर में लगातार निकल रही तो सिर्फ आपको 4 दिन के लिए धूप दिखा देना है, बस आपका अचार बन के तैयार हो जाएगा और कभी भी ख़राब भी नहीं होगा। इस प्रकार से कई बार अचार बना चुकी हूँ और मेरा अचार सालों साल तक ख़राब नहीं हुआ है। तो गाइस अगर आप भी इस तरह से अचार बनाएंगे तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। इसकी यहाँ तक इस लेयर तक अचार पूरा ऑयल रख सकते हो इसके ऊपर वाली लेयर तक, लेकिन मैंने देखी यहाँ तक पूरा ऑयल भर दिया है। जब आप धूप दिखाने जा रहे हो तो उसको आपको एक बार इस प्रकार से इसको मिक्स कर लेना है। इसमें ऑयल हर जगह ऐसे मिक्स कर लें इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको ऑयल पूरे उसमें मिक्स कर लेना है और फिर धूप में रख देना है। पर आपको धूप में इसको पैक करके नहीं रखना है, इसमें ढक्कन लगा के नहीं रखना है। इसमें एक कपड़ा कॉटन का इसको पैक करके इसको यहाँ से बांध करके कॉर्क को रख देना है। ये आपको 4 दिन तक यही प्रोसेस करनी है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी आपको गीले हाथों से अचार को नहीं निकालना है या फिर वेट स्पून से अचार को नहीं निकालना है। हमेशा इसको ड्राई प्लेस में रखना है, इसको इसमें नमी नहीं लगने देना। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि इसमें मॉइस्चर ना लगने पाए। तो गाइस क्योंकि गर्मी के जस्ट बाद बरसात का सीज़न होता है, उसी टाइम आप सभी का अचार ख़राब हो जाता है। अचार बन जाए तो आपको ज़रूर उसको धूप दिखाना चाहिए। अगर आपको खाने पे अचार में नमक कम लग रहा है तो इसी टाइम आप नमक भी ऐड कर देंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।